नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पेश जोशी अपने आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैवाहिक जीवन के ऊपर। पूरा कंप्लीटली वैवाहिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे थ्रू एस्ट्रोलॉजी, यानी कि आज हम कुंडली के थ्रू बात करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन से आपको कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, हैप्पी रहेगी या उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। ये 100% गारंटी से जाना जा सकता है वैवाहिक जीवन आपका किस तरीके का रहेगा कुंडली के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि वैवाहिक जीवन के लिए जब भी हम विचार करते हैं तो हमें सप्तम भाव और लग्नेश का विचार जरूर करना चाहिए। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बॉडी को। मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, जिससे आप बेसिक लैंग्वेज में चीजों को शॉर्ट तरीके से डेप्थ में समझ पाएंगे। सबसे पहले बताऊं, फर्स्ट हाउस हमारी कुंडली का हमारे सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है और सेवेंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ साथ एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम्स को। मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपका लग्नेश यानी फर्स्ट लॉर्ड आपका सेल्फ मजबूत है, पांच ग्रहों से युक्त नहीं है, डिग्री वाइज स्ट्रेंथफुल है और उसमें कहीं ना कहीं अच्छी स्ट्रेंथ है, अस्त नहीं है, कंबस्ट नहीं है और खराब अवस्था में नहीं बैठा कुंडली में, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को प्रॉब्लम जो आएंगी आपके वैवाहिक जीवन में आप उन्हें टैकल्स कर सकते हैं अच्छे से और आप उनसे लड़के जो स्थिति बिगड़ने वाली होगी उसे आप सही कर सकते हैं, ये लग्नेश बता देता है। अगर लग्नेश अच्छा है तो वैवाहिक जीवन आपका चाहे सेवेंथ हाउस में कितनी तकलीफ हो और व्यक्ति अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने बल से वैवाहिक जीवन को सही कर देता है। सेवेंथ हाउस जितना वीक होगा, जैसे सेवेंथ हाउस हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, एट्थ हाउस है अष्टम भाव हमारे प्रॉब्लम्स को बताता है। अगर अष्टम का स्वामी एट्थ हाउस का कोई भी स्वामी हो सकता है आपकी राशि कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी अगर मेष लगन है तो मंगल, वृषभ लगन है तो गुरु, मतलब बहुत, जैसे आप मिथुन है तो आएगा आपका शनि। अगर ऐसे पाप ग्रह सेवेंथ हाउस में आ जाए तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कष्ट रहते हैं, व्यक्ति को अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत दुख मिलता है, 100% है। अगर एट्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तब भी मैंने देखा है कि व्यक्ति को बहुत परेशानी मिलती है अपनी वाइफ की तरफ से, उसकी सेक्सुअल लाइफ भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। अब सेवेंथ हाउस में राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए तो ये वैवाहिक जीवन को तोड़ भी देते हैं, ऐसा भी देखा। और सेवेंथ लॉर्ड अगर राहु केतु के साथ बैठ जाए तब भी प्रॉब्लम आती है, सेवेंथ हाउस पे शनि का एस्पेक्ट हो तब भी बहुत प्रॉब्लम आती है। सिक्स्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो पार्टनर से बहुत झगड़े होंगे। फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ में बैठ जाए केतु राहु के साथ तो माता के कारण कष्ट मिल सकता है वैवाहिक जीवन में, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है। अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।